फैमिली, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे मटर की सब्जी जो कि झटपट बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए है एक कप मटर, एक शिमला मिर्च ली है, एक टमाटर, थोड़ी सी मैंने अदरक ली है और आधी हरी मिर्ची ली है। ये मैंने 2 चम्मच तेल के लिए, तेल गर्म हो गया है। अब सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जीरा, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, गैस सिम कर देंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे और मैं थोड़ी सी डालूंगी हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। अदरक हरी मिर्ची मिक्स कर लेंगे। एक टमाटर है, गैस सिम रखे इस समय। अब अगर आप प्याज लहसुन खाना चाहते हो तो आप इस समय प्याज और लहसुन भी डाल सकते हो। नमक, मिर्ची, मसाले, तेल जो भी आपको लगे कि ये ज्यादा है तो आप कम कर सकते हो। आधी चम्मच नमक के डाल देंगे। हल्दी हमने डाल ही दी थी और अब टमाटर को थोड़ा सा पकने देंगे। तो टमाटर पक गए, अब इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। आधी चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच धनिया पाउडर और मिक्स कर लेंगे। और मैंने जो शिमला मिर्ची ली थी इसे डाल देंगे। अब शिमला मिर्ची और मटर को दोनों को ही पकने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो मैं इसी समय मटर भी डाल देती हूँ और मिक्स कर लेंगे। और अब इन दोनों को मैं पकने दूंगी। तो बस 5 मिनट में इसे ढक देती हूँ और इसे हम पकने देंगे। 5 मिनट करीबन हो गए, मैंने 1 से 2 बार मिक्स किया था। देखिए अब मैं इसमें डालूंगी मलाई। तो मैंने 1 चम्मच मलाई ली है, ये दूध के ऊपर की ही मलाई है। मिक्स कर लेंगे। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हो और ऐसे ही खाना चाहते हो तो ऐसे भी काफी अच्छी लगती है सब्जी, और आप इसको रिच बनाना चाहते हो तो आप इसमें मलाई डाल सकते हो। और ये मैंने लिया है दही, तो 1 चम्मच दही ले लेंगे, खट्टा नहीं है, और मिक्स कर लेंगे। और अब वापिस मैं इसे ढक दूंगी और वापिस 1 से 2 मिनट इसे हम पकाएंगे। 2 मिनट करीबन हो गए हैं, देखिए इस तरह से तेल ऊपर आ जाएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी सब्जी दिख रही है, खाने में भी काफी टेस्टी। अगर आप इसमें पनीर डालना चाहते हो तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो, लेकिन आज हमने बनाई है ओनली मटर शिमला मिर्ची की सब्जी। गैस बंद कर देंगे, इसे हम सर्व कर लेंगे। तो ये हमारी मटर की सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब इसे आप नान से खाइए, पराठे से खाइए, पूड़ी से खाइए, चपाती से खाइए, जिससे भी आपको पसंद हो उससे आप खाइए। इसे आप पिकनिक पे भी ले जा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप जरूर ट्राई करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।